जैसे लेडीज घर से काम करती हैं या ऑलरेडी कर रही हैं, तो वो कोई पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक बनाना चाहती हैं, तो वो कैसे बना सकती हैं? या जो बना रही हैं, कर चुकी हैं ऑलरेडी, और उनका लिंक सही है, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके बारे में आज हमें बताएंगे ऋषभ सावंत सुखा जी। थैंक यू अंजलि जी, इंदु जी और मीनाक्षी जी। देखिए, आज डिजिटल में हम कोई भी काम शुरू करते हैं, इवेंट करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, या कोई हम ई कॉमर्स में कुछ अपना बुक है या कोई गिफ्ट आइटम है, कुछ भी अगर सेल परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है कि जिसको हम रीच आउट कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी हम करें और उसके साथ में उसकी पेमेंट भी हम कलेक्ट कर पाएँ, डेबिट क्रेडिट माध्यम, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से और पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि instamojo.com पे जाकर आप किस तरह से ये सारे काम कर सकते हैं। और ना केवल इतना ही, उसके अलावा आप एडवांस फीचर भी उसमें काफ़ी सारे हैं जिनके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना फ़ोन म्यूट पे रखें, माइक्रोफोन म्यूट पे रखें ताकि डिस्टर्ब ना हो, और कोई भी सवाल आपका हो तो आप इसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं अपना लिंक शेयर कर रहा हूं, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। इज इट विजिबल नाउ? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द वेबसाइट कॉल्ड instamojo.com। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये instamojo है क्या। instamojo एक पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ वो आपको इवेंट रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करता है और मल्टीपल फीचर प्रोवाइड करता है। देखिए, ये मेरी साइट instamojo की खुल गई। आपको लगेगा कि भी इसको कैसे ओपन करना है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जब आप instamojo पे जाएंगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको पहले साइन अप करना है, क्योंकि अगर आप पहली बार ये रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना है। और साइन अप भी इसमें सोशल लॉगिन की फैसिलिटी है। सोशल लॉगिन का मतलब है अगर आपका जीमेल आईडी है तो आप अपने जीमेल से भी इसमें साइन अप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने जीमेल आईडी से साइन अप कर रहा हूँ, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको instamojo का डैशबोर्ड पेज खुल जाएगा। और डैशबोर्ड पे सबसे हम सीधे ही चलते हैं कि एक पेमेंट लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपको, तीन तरह के पेमेंट लिंक यहाँ पे हैं। क्रिएट पेमेंट लिंक में आप देखेंगे देर इज ए क्विक लिंक, स्मार्ट लिंक, और फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट लिंक डिटेल वाला। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्विक लिंक पे, और क्विक लिंक पे जिसको आप सिर्फ मात्र 1 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले ये पूछता है कि आपकी पेमेंट किसके लिए आप कलेक्ट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि instamojo ट्रेनिंग क्लास। सपोज करिए कि हमने ये instamojo की ट्रेनिंग क्लास ऑर्गेनाइज करनी है और इसमें हम 500 रुपये कलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने दो चीज़ें लिखी, instamojo ट्रेनिंग क्लास 500 रुपीज़ और क्रिएट, और इमिडिएटली आपका लिंक क्रिएट हो गया। दिस इज द टाइम इट टेक्स। अब आप इसमें प्रीव्यू करेंगे तो जो मोबाइल पे लिंक खुलेगा ये इस तरह से दिखेगा। आपने कई बार देखा होगा जब व्हाट्सएप पे आपसे कोई पेमेंट लिंक शेयर करता है तो वो यहाँ पे ऐसे दिखता है, जहाँ पे अमाउंट आ गई instamojo ट्रेनिंग क्लास। एंड देन द अदर पर्सन जो इसको लिंक को रिसीव करेगा वो अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरेगा, और नेक्स्ट पे जाने के बाद मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने नाम भरा इंदु जैन, ईमेल आईडी, लेटर से ईमेल आईडी, फोन नंबर। अब आप नेक्स्ट बटन पे जैसे ही जाएंगे ये आपसे पेमेंट स्कैन बारकोड भी देता है, और पेमेंट की कन्वीनियंस फीस भी इसमें ऑटोमेटिकली लग जाती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो 500 रुपये और 21 रुपये 24 पैसे कन्वीनियंस फीस, यानी 521 रुपये 24 पैसे। आप इसमें मल्टीपल तरीके से पे कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से, जीपे से, पेटीएम से, भीम से, और इसके अलावा भी इसमें पेमेंट ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर एंड NEFT और बैंक ट्रांसफर। तो इतना आसान है पेमेंट लिंक क्रिएट करना, इसे तो हम कहते हैं क्विक लिंक, कि जैसे आपने इवेंट सोचा और इमिडिएटली आपने इवेंट का लिंक क्रिएट किया। नाउ लेट मी टेल यू, ये लिंक यहाँ क्रिएट हो गया, ये डैशबोर्ड पे अपने आप आ गया, instamojo क्रिएट लिंक। अब मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लिंक एडिट करने की सुविधा भी देता है, और ये मुझे अभी बता रहा है कि एक विजिटर आपके लिंक पे ऑलरेडी आया है, क्योंकि मैंने जब क्लिक किया तो ये मेरे डैशबोर्ड में एक विजिटर इसने दिखा दिया, पेमेंट 0, यानी पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। तो जो कई कई बार विजिटर आते हैं वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी पता लग जाता है। नाउ अब ये लिंक आपको शेयर करना है, मान लीजिए व्हाट्सएप पे, तो यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने लिंक को कॉपी किया
और अभी मैं ये मैंने इंदु जी के व्हाट्सएप पे इस लिंक को भेज दिया। इंदु जी अगर आप अभी अपने इस व्हाट्सएप पे लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपको इंस्टा मोजो ट्रेनिंग लिंक इंस्टेंटली क्रिएट हो गया। दिस इज कॉल्ड क्विक लिंक। अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्विक लिंक के अलावा देयर इज अ फीचर कॉल्ड स्मार्ट लिंक, क्योंकि स्मार्ट लिंक में आपको पर्पज ऑफ पेमेंट के साथ साथ कुछ और एडिशनल बातें भी अपने पोटेंशियल कस्टमर से या पोटेंशियल कम्युनिटी मेंबर से आपको कलेक्ट करनी होती है। तो सिमिलरली लेट मी क्रिएट ए स्मार्ट लिंक नाउ इंस्टा मोजो ट्रेनिंग क्लास। अब यहाँ पे देखिए एक होता है फ्लैट प्राइसिंग। फ्लैट प्राइसिंग का क्या मतलब है कि आप अपने कस्टमर को ये ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप 500 रुपए ही पे करें, 521 रुपए नहीं। मींस जो आपने 500 बोला तो 21 रुपीज विल बी डिडक्टेड वंस यू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम इंस्टा मोजो। मैं आपको बताऊंगा बैंक कैसे कनेक्ट करते हैं और बैंक में ऑटोमेटिकली पेमेंट आएगी आपके, तो दैट ऑल आई विल टेल यू। फर्स्ट लेट अस सी स्मार्ट लिंक और क्विक लिंक में क्या फर्क है एंड देन वी विल गो फॉर ए डिटेल लिंक क्रिएशन। तो फ्लैट प्राइसिंग का मतलब है कि मैं कस्टमर से 500 रुपए ही लेना चाहता हूं इस ट्रेनिंग क्लास के, तो आई विल पुट 500 रुपीज। और इफ यू वांट कि कस्टमर को जितना पे करना उतना कर दे तो मैं अलाउ करूंगा कस्टमर टू चेंज द अमाउंट एंड आई विल से मिनिमम इज 100 रुपीज। आफ्टर दैट कस्टमर इज फ्री टू की इन द अमाउंट एंड वट एवर अमाउंट ही विल की इन दैट अमाउंट विल कम। कई बार हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वी डोंट वॉन्ट टू फोर्स अ कस्टमर टू पे सर्टेन अमाउंट। वी आर ओपन कि अगर वो 100 रुपए दे, 200, 500 जितना भी देना चाहे वो दे सकता है। तो ऐसी भी इवेंट होती है जो फंड रेजिंग इवेंट जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे आपने कोई पर्पज के लिए इवेंट करा और आप चाहते हैं कि इसमें जो भी इवेंट में आए ट्रेनिंग का लाभ लें और उसके बाद एक आपने कॉज रखा कि भी जितना पैसा कलेक्ट होगा वो हम कोविड के लिए जो है किसी हॉस्पिटल को देंगे या हम किसी को इसमें फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यू कैन फिक्स दिस अलाउ कस्टमर टू चेंज द अमाउंट, ताकि जिसका जो जिसको जो अमाउंट अच्छा लगे वो उसमें डाल के, और रजिस्ट्रेशन हमने ले लिया, पेमेंट भी अलाउ कर दिया और वो इवेंट में शामिल भी हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कई बार हम चाहते हैं कि डिस्काउंट हम दें, इसकी बजाय हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक डिस्काउंट कोड क्रिएट कर दें। तो ये देखिए क्रिएट डिस्काउंट कोड को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे यहाँ पूछेगा डिस्काउंट कोड क्या है। तो मैंने रखा JLW, ये मान लीजिए हमारा डिस्काउंट कोड हो गया। एंड नाउ यू वांट टू से अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट लगाने के बाद में कितना अमाउंट आना चाहिए। तो मैंने सपोज करो हम 500 रुपए में 250 रुपए का डिस्काउंट देते हैं जीटो लेडीज विंग मेंबर्स को, तो जीटो JLW डिस्काउंट कोड जो भी डालेगा उसको हम 250 रुपीज डिस्काउंट के बाद 250 रुपीज उसको देना है, यानी अपने आप देखिए 50% ऑफ यहाँ आ गया। तो जैसे ही मैंने 250 रुपए डाले उसने डिस्काउंट कोड को एक्टिवेट कर दिया। एंड नाउ इफ आई गो टू नेक्स्ट, दिस डिस्काउंट कोड इज एक्टिवेटेड। फर्दर अब मैं चाहता हूँ कि इस पेमेंट लिंक में और भी कुछ खूबियां हो, जैसे कि कस्टमाइज पेमेंट पेज। आप पेमेंट से पहले कुछ रिफंड पॉलिसी है, मान लीजिए हम इवेंट में कहते हैं कि अगर आप इवेंट में नहीं आ पाए तो आपको रिफंड मिलेगा, तो वो पॉलिसी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी इवेंट की कुछ ब्रांडिंग है, सपोज आपने एक फ्लायर बनाया है, आप चाहते हैं कि जो पेमेंट करने से पहले पेमेंट करने वाले व्यक्ति को ये फ्लायर भी दिखाई दे जाए, तो आप यहाँ पे एड इमेज में जाके और इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये इवेंट आपकी इवेंट की इमेज अपलोड हो गई। अब आप चाहते हैं कि आपकी इवेंट का कोई कलर थीम है, बहुत बार हम थीम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हमारा इवेंट का कोई पर्टिकुलर कलर होता है, तो आप अपने पेमेंट पेज में उस कलर को भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए कलर आप जैसे जैसे चूज करेंगे आपका पेमेंट पेज में वही कलर दिखेगा, बिकॉज दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट फॉर ब्रांडिंग, क्योंकि हम कोई भी इवेंट करते हैं तो हमारा पेमेंट लिंक भी उस इवेंट के साथ में सिंक होना चाहिए। तो दिस ऑल फैसिलिटी इज अवेलेबल। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कस्टमर से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो मैंने जैसे ही इसको टिक किया ये देखिए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर। सपोज करिए कि आप इवेंट के बाद में सबको गिफ्ट देना चाहती हैं, आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद आप चाहते हैं कि इसका सर्टिफिकेट प्रिंटेड कॉपी में या साथ में कोई डायरी, कोई गिफ्ट, कोई उनके घर भी पहुंचे, तो इंस्टा मोजो ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे कस्टमर से उनका शिपिंग एड्रेस मांग लीजिए, जस्ट क्लिक करिए, कस्टमर ही खुद भरेगा अपना शिपिंग एड्रेस,
एंड देर इज अ फैसिलिटी इन इंस्टा मोजो वेर इन दे विल कलेक्ट ऑल द गिफ्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द लेडीज. सपोज करिए आपने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, इंस्टा मोजो में जो ट्रेनिंग लेगा उसको जीटो का एक जीटो लेडीज विंग का एक मग दिया जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल, और कुछ पेन डायरी दी जाएगी. नाउ यू डोंट वांट टू टेक द हैसल एज एन ऑर्गेनाइजर कि सबसे आप एड्रेस मांगो, डायरी में लिखो उसको कहीं पे, फिर उसके एड्रेस लेबल प्रिंट करो, उसके बाद भेजो. तो ये सारा फीचर आपने एक टिक करने से आपका काम यहाँ हो गया. देन कस्टमर विल गिव द शिपिंग एड्रेस एंड एज पर द शिपिंग एड्रेस इंस्टा मोजो गाइज विल कम टू योर प्लेस, कलेक्ट द गिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द कस्टमर, विच इज़ वेरी वेरी इजी. उसके अलावा आपका जो क्लाइंट है, हो सकता है वो बिजनेस करता है और उसको GST इनवॉइस चाहिए. आज की तारीख में जितने भी सभी लोग चाहते हैं कि भी, क्योंकि GST तो हर ट्रांजेक्शन पे लगती है. अगर मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, 500 रुपये की ट्रेनिंग पे 90 रुपये GST लगेगा 18%, तो क्लाइंट चाहता है कि मैं अपनी कंपनी से पे करके और उसका GST क्रेडिट ले लूं, क्योंकि इंस्टा मोजो सीखने के बाद उसकी कंपनी में, उसके बिजनेस में उसको फायदा होने वाला है. तो आप यहां पे आस्क कस्टमर फॉर दी GST डिटेल करेंगे तो कस्टमर विल फिल हिज बिलिंग डिटेल, GST नंबर, कंपनी नेम और बिलिंग एड्रेस. ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं क्योंकि इंडिया में GST है. GST में आपको स्टेट का नाम, कंपनी का नाम, ये सब देना पड़ता है. तो ये जैसे आपने GST डिटेल क्लिक किया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये लिंक ऑपरेट करेगा. नाउ आई एम जस्ट डूइंग डन और ये आपका स्मार्ट लिंक भी क्रिएट हो गया. देखिए अभी तक हमने 7 मिनट में 2 लिंक क्रिएट करना सीख चुके हैं हम, स्मार्ट लिंक और क्विक लिंक. नाउ दिस स्मार्ट लिंक हाउ इट विल लुक लाइक, लेट अस सी द प्रीव्यू. देखिए इसमें इमेज आ रहा है, पहले के वाले क्विक लिंक में इमेज नहीं आ रहा था. इसमें आपका इवेंट का इमेज ऊपर आएगा, सबसे पहले आएगा. टोटल अमाउंट आ रहा है क्योंकि हमने फ्लैट प्राइसिंग करी थी. नाउ 500 रुपीज द पर्सन विल पे और यहाँ पे हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी आ रहा है क्योंकि हमने ब्लू कलर चूज किया था. नाउ पे नाउ, जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ, ये सबसे पहले मेरे से डिटेल मांग रहा है कि भाई आप कौन हैं. तो चलिए मैंने अपनी डिटेल यहाँ पे शेयर करना शुरू किया क्योंकि यही डिटेल हमारे रजिस्ट्रेशन में काम आएगी और इंस्टा मोजो आपको ये सारी डिटेल एक्सेल फाइल में दे देगा. तो आपको हर समय पता लगता रहेगा कि आपके इवेंट में कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, कितने लोगों ने पे किया है. तो देखिए मैंने अपनी डिटेल दी. अब डिस्काउंट कोड, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को डिस्काउंट मिलेगा. डिस्काउंट उसी को मिलेगा जिसको कोड मालूम है. तो सपोज करिए आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करी जीटो लेडीज विंग ने और आपने पूरे जैन समाज के लिए उसको ओपन किया या सभी के लिए ओपन कर दिया, बट आप चाहते हैं कि जीटो लेडीज विंग उसमें डिस्काउंट उनको मिल जाए. तो यहाँ पे मैंने डाला जीटो JLW. आपको याद होगा हमने कोड क्रिएट किया था वहां पे, तो ये कोड मैंने डाल के जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, ये देखिए डिस्काउंट कोड अप्लाइड और 500 रुपये की बजाय मुझे अभी 250 रुपये ही देने हैं. तो ये 250 रुपये को मैंने नेक्स्ट क्लिक किया. अब फिर ये मेरे से और क्या मांग रहा है, देखिए ये कह रहा है कि आप अपनी पेमेंट डिटेल बताइए या शिपिंग डिटेल. सपोज करिए इसके अंदर हमने कुछ गिफ्ट रखा है या कुछ हम क्विज करा रहे हैं, हमने उसमें प्राइज रखा है, तो मैंने अपनी एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कर दी. नाउ सेम एज पर शिपिंग एड्रेस, अब ये मुझसे मेरी बिजनेस डिटेल भी मांग रहा है कि क्या आपको GST इनवॉइस चाहिए. तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे GST इनवॉइस चाहिए. तो यहाँ पे मैं अपना GST नंबर और कंपनी का नाम भी डाल सकता हूँ. अब अगर मैं इसको एंटर करूंगा, ये देखिए यहाँ पे एक चेक भी है. GST नंबर 15 कैरेक्टर का होता है, तो अगर मैंने कुछ भी नंबर ऐसे डालने की कोशिश करी तो ये नहीं लेगा. 15 डिजिट का GST नंबर होता है, तो लेट अस सी, ये भी नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें पैन कार्ड नंबर वैलिड नहीं है. यानी कितनी अच्छी इसमें सुविधा है कि जब तक आप एक्चुअल GST नंबर नहीं डालोगे तब तक ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा. तो मैं अभी एक बार के लिए मैं GST को अभी यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ. अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो सेम आपका वही पेमेंट डिटेल, जहाँ पे आप UPI से या किसी भी अदर पेमेंट ऑप्शन से हम पेमेंट कर सकते हैं. दिस इज सो सिंपल. तो अभी तक जो हमने सीखा, इसमें अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हम उसको अभी ले सकते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा. मेरा डाउट्स हैं जी. जो हमने यहाँ पे लिखा, हम लेडीज से 500 रुपीज लेना चाहते हैं जी, बट जब एक्चुअल पेमेंट पे आ रहा है इट इज आस्किंग फॉर मोर देन 500 जी.
क्योंकि उसके कन्वीनियंस चार्जेस उसने ऐड कर लिए, तो ये जो पार्टिसिपेंट है उसको बियर करना पड़ेगा कॉस्ट। हाँ, ये कन्वीनियंस चार्जेस बाय डिफॉल्ट हम इसमें ऑन रखते हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट है वो कन्वीनियंस चार्ज पे करे, क्योंकि ये हमारे पास नहीं आती है। मैं अभी एज ए होस्ट अगर बात करूँ, अगर हम इवेंट होस्ट हैं तो ये 12.39 रुपए हमें नहीं मिलेंगे, ये इंस्टा मोजो की फीस है जो पार्टिसिपेंट इंस्टा मोजो को पे कर रहा है। तो इसमें हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मेरे जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हम उन्हें 999 चार्ज करना चाहते हैं, दे आर पेइंग 999 बट वी आर बेयरिंग द कन्वीनियंस चार्ज। वो बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कन्वीनियंस फीस का सेटिंग्स में जाके, लेट मी टेक यू टू द सेटिंग्स, मेन सेटिंग। यहाँ पे एक बटन आता है सेटिंग्स का, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे सारी सेटिंग। तो अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप अपना बैंक अकाउंट कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके साथ ही मैं कन्वीनियंस फीस के बारे में भी बता दूंगा। तो ठीक है, अभी हम फिर पहले और डाउट्स देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये पहले तो हम देखते हैं कि क्रिएट पेमेंट लिंक, दो तरह के पेमेंट लिंक मैंने आपको बताए, क्विक लिंक और स्मार्ट लिंक। तो ये क्रिएट कैसे करना है ये आ गया। अब इसके पीछे की जो सेटिंग्स है, क्योंकि ये पैसा हमने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन हमारे बैंक खाते में कैसे जाएगा वो जानना बहुत जरूरी है। या फिर हम कन्वीनियंस फीस के बारे में कि भी हम कन्वीनियंस फीस लें ना लें, अगर हम नहीं लेते हैं मान लीजिए और आपने कहा भी 999 रुपए की फीस है, तो 999 में से हमें पूरे नहीं मिलेंगे, हमें 999 माइनस इंस्टा मोजो की फीस कट के जो पैसा होगा वो हमारे बैंक में जाएगा। तो नाउ लेट मी क्लैरिफाई हाउ वी कैन चेंज द सेटिंग्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे मेन हमारा जो अकाउंट प्रोफाइल है वहाँ पे सेटिंग्स का एक बटन है, उसमें जब आप आते हैं उसमें यहाँ पे 6-7 तरह की सेटिंग्स हैं। तो हम एक एक सेटिंग को मैं आपको क्लियर करता चाहूँगा, क्योंकि ये वन टाइम एक्सरसाइज है। एक बार आपने अपनी अकाउंट की सेटिंग कर दी, उसके बाद बार बार आपको उसको चेंज करना नहीं है। आप अपना पेमेंट लिंक क्रिएट करते जाइए और अनलिमिटेड पेमेंट लिंक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपका अकाउंट नंबर सेम रहेगा, उस अकाउंट नंबर में आपको पैसे आ जाएंगे। अब देखिए अकाउंट डिटेल में मैंने अपने अकाउंट का नाम रखा है रजिस्टर नाउ। इसी तरह से ये URL लिंक, आप अपने पेमेंट लिंक को अपने ऑनलाइन स्टोर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में WhatsApp नोटिफिकेशन, आप चाहते हैं कि भी कोई भी रजिस्टर करे आपको तुरंत WhatsApp आ जाए कि भी फला फला व्यक्ति ने रजिस्टर किया है, क्योंकि आज की तारीख में हम ज़्यादातर WhatsApp ही सर्च करते हैं, हम बार बार इंस्टा मोजो की साइट पे आप जाके नहीं देखना चाहते। तो ये WhatsApp नोटिफिकेशन हमें मिलेगा ओके एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर। जो नंबर हम डालेंगे उसी व्हाट्सएप नंबर पर आएगा, उसी नंबर पे आ जाएगा। या आपका जो मेन प्रोफाइल टू बी द सेम नंबर एज द बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि वो मिसमैच नहीं हो सकता। नहीं, बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर तो अलग होता है वहाँ पे आप, और ये वाला अलग कर सकते हैं, अलग पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अपनी वेबसाइट पे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मान लीजिए हमारी एम्बेड करने के लिए आप एम्बेड कैसे करते हैं, तो HTML कोड भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, राइट राइट राइट, जिसको कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हो। अब हम आते हैं पेमेंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम इसको अभी वापस मिनिमाइज करके नाउ लेट अस सी पेमेंट सेटिंग। ये आपका सवाल का जो जवाब है इंदु जी, जो आपने पूछा था कि इंस्टा मोजो की फीस अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये फीस कस्टमर को ना दूं, पहले तो मैं फीस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इंस्टा मोजो में दो तरह की कैटेगरी होती है, गुड्स और डिजिटल सर्विसेज। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स की वैल्यू पे 3% प्लस ₹3 ईच पेमेंट पे, और अगर आप डिजिटल गुड्स बेच रहे हैं यानी इवेंट, डिजिटल इवेंट कर रहे हैं या डिजिटल ट्रेनिंग बेच रहे हैं या डिजिटल ई बुक वगैरह बेच रहे हैं, तो वहां पे आपको 5% और ₹3 टू सेल दी डिजिटल गुड्स पे करना होगा। नाउ यू वांट कि योर कस्टमर शुड नॉट बी बदर्ड। इससे मेरा एक डाउट है ऋषभ जी, ये जो हमने बात करी 3% and 5%, इसके एक दो एग्जांपल्स और दे दो क्लैरिटी के लिए कि डिजिटल गुड किसको बोल रहे हो एंड जी दूसरा कैटेगरी कौन सा वाला है? जैसे हम आज जो इस ट्रेनिंग में हम आए हैं ये डिजिटल गुड्स है, डिजिटल सर्विस है, क्योंकि हम डिजिटली ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और सपोज अगर मैं इंस्टा मोजो पे एक किताब लिख देता और उस किताब को मैं बेच रहा होता तो वो फिजिकल गुड्स हो जाती। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रेस बेच रही हूँ और मैं थ्रू कुरियर डिलीवर कर या इंस्टा मोजो की कोई कह रही हूँ कि मेरा ये आप
पहुंचा दो वहां पे, इन दैट केस वो 3% चार्ज करता। यस, बिकॉज़ देन इट बिकम, सपोज हम पिकल बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, कुछ चॉकलेट है, खाखरा, फरसान, वो सब 3% वहां पे फिजिकल गुड्स में, फिजिकल गुड्स। तो अगर हम जैसे इवेंट, अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो अगर हम चाहें तो हम एक एक मग सबके हम पहुंचा सकते हैं थ्रू शिपिंग। तो एट दैट टाइम दिस 3% विल बी एक्स्ट्रा, दिस 3% इज ऑलरेडी फॉर द इवेंट। वो जो शिपिंग चार्जेस जो मग के लगेंगे वो अलग लगेंगे, वो अलग लगेंगे। हां, वो एंड दिस दीस शिपिंग चार्जेस विद इंस्टा मोजो विल टेक विल बी एट पार विद द चार्जेस इन द मार्केट और बिलो दैट। वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा इनकी जो चार्ट रेट्स हैं यहां पे, इनके इनके जो अदर फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, इनके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर हमें लगता है कि इनके रेट कॉम्पिटिटिव है तो हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास और बेटर मॉडल है, जैसे डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, फेडेक्स है, तो आपका अगर उनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो आप दोनों में कंपेयर करके अकॉर्डिंगली, क्योंकि लिस्ट आपके पास जब आ जाती है एड्रेस के साथ, तो आपको कुरियर का चुनाव करना और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट अस गो टू दी इंस्टामोजो फीस। अगर मैंने यहाँ डीएक्टिवेट कर दिया, अब इंस्टामोजो फीस कस्टमर से नहीं लेगा, वो मुझसे लेगा, हमसे लेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको बाय डिफॉल्ट ऑन किया हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर इसको ऑन नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ, और हमने अपनी प्राइसिंग डिस्काउंटिंग वैसे कर दी और बाद में पता लगा कि वो फीस कट के आ रही है, तो हमें लगेगा कि ये तो हमारा लॉस हो गया। ठीक है, एंड नाउअडेज मोस्ट ऑफ द कस्टमर दे आर अवेयर कि अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिल रही है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा मिल रही है, तो उनको एक सुविधा शुल्क तो देना पड़ेगा, क्योंकि दे आर एक्चुअली गोइंग टू पे दिस 500 रुपीज आफ्टर 45 डेज, सो इन अ वे दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट कर रहे हैं तो उनको इंस्टेंट पे आउट नहीं होगा, उनको 45 दिन में पेमेंट करनी है, तो एक तरह से कन्वीनियंस फीस उनके लिए भी अच्छा है। नाउ एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, NEFT और बैंक ट्रांसफर। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं जी हम क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज नहीं करते, हम तो बैंक से पेमेंट करेंगे, बिकॉज काफी कंपनियों में भी ये होता है कि कोई भी पेमेंट जाएगी वो बैंक से जाएगी, NEFT होगा। तो यहाँ पे आप NEFT का फीचर भी ऑन करके रख सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब ये पेमेंट आ गई इंस्टामोजो के पास, तो इंस्टामोजो से हमें कैसे मिलेगी, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स यहां आएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, एडिट बैंक डिटेल। तो जो अकाउंट आपने बनाया है, किसी भी ईमेल आईडी से आपने बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमेल आईडी जीमेल से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक अकाउंट जब आप डालेंगे तो इंस्टामोजो 24 से 48 घंटे में वेरीफाई करती है कि भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड है या उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैंक अकाउंट डिटेल में बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ योर बैंक अकाउंट और IFSC कोड, ये तीन जानकारी इनको सबमिट हम करते हैं, और उसके बाद इनका मेल आता है। तो ये हमारे से हो सकता है कई पहली बार जब आप क्रिएट करेंगे कैंसिल चेक, या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी ये मांग सकते हैं, ताकि आपका बैंक अकाउंट ये वेरीफाइड करके कंफर्म कर देंगे। वंस इट इज डन, दिस इज वन टाइम एक्सरसाइज। इसके बाद अगर आप जब चेंज करना चाहेंगे तो भी ये अलाउ करते हैं, लेकिन फिर आपको वही 24-48 घंटे का साइकिल आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे आता है कि मेरा पेमेंट कितने दिन में आएगा, क्योंकि अगर आपने इवेंट किया, मान लीजिए हमारा इवेंट अगले हफ्ते है और हमने अभी लिंक क्रिएट किया और एक हफ्ते तक हम उसको मार्केट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, फेसबुक पे, ईमेल भेज रहे हैं, तो वी वांट कि इवेंट कलेक्शन के कितने दिन बाद, तो नॉर्मली इनका जो साइकिल है 3 बिजनेस डेज में इनका पेमेंट आ जाता है। लेकिन अगर आपको इमीडिएट चाहिए, सपोज करिए आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपको किसी होटल में पेमेंट करना है, या आपने उस इवेंट में यू वांट टू मेक इमीडिएट, मतलब जैसे पेमेंट आया आपको वैसे आ जाए, तो यहाँ पे एडिशनल फीस के साथ में कुछ इनके फीचर्स हैं, इंस्टेंट पे आउट, सेम डे पे आउट, नेक्स्ट डे पे आउट, इनको अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस देखिए, एडिशनल फीस ऑफ 0.5% प्लस GST, वो लेके आपको ये सेम डे भी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आई थिंक दिस पेमेंट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे ये अगर आपने नहीं किया तो आपका लिंक क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैंने चूंकि ये कर रखा है इसलिए मेरा लिंक क्रिएट हो गया। इसमें डाउट है मेरा। हाँ जी, जब मैं इसमें ये बैंक ट्रांसफर और कार्ड डिटेल के अलावा अगर मैं पेटीएम पर जाना चाहती हूँ, इसमें इसने मुझसे पेटीएम फोन नंबर नहीं मांगा, एंड इट हैज टू बी द सेम नंबर व्हिच इज यूज्ड फॉर दैट विद द बैंक, जो बैंक के साथ अलाइंड होगा, तो वो वाला ऑप्शन कहाँ पे होगा पेटीएम नंबर के लिए? पेटीएम इसमें चूंकि आप अपने यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यू आर एन होस्ट, सपोज एज ए कस्टमर यू आर यूजिंग पेटीएम और गूगल पे एंड ऑल,
So that you can do any which way because that option is available. But if you want your Paytm to be used to collect the payment, अगर आपने Paytm बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे Paytm मेरे ख्याल से Paytm की ये सुविधा नहीं देते, ये सिर्फ payout जो होगा, वो आपके किसी न किसी current account या saving account में ही आएगा। नहीं, I अगर for example मैं host हूँ और मैंने ये Insta मुझे use किया and आप मेरे event में register कर रहे हो, आप Paytm के through payment कर सकते हो? क्वेश्चन किया, लेट मी जस्ट शो यू पेमेंट लिंक पे हम जाते हैं। अभी हमने ये जो पेमेंट लिंक क्रिएट किया था, इसी से मैं बताता हूँ कि ये लेट मी जस्ट शो Create payment link. Yes. Sorry, ये तो ये यहाँ पे this is the payment link. अगर हम इसके प्रीव्यू में जाएंगे तो पे नाउ जब हम करेंगे, डिटेल सारी फिलअप करेंगे, सपोज करिए मैंने ये फटा फिलअप किया एंड और ये डिटेल मैंने शिपिंग अनब्लॉक कर दिया एक बार के लिए, तो नेक्स्ट इट इज शोइंग द ऑप्शन, ये बिलिंग डिटेल मांग रहा है, तो मैं एक बार इसको बिलिंग डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ, बिलिंग डिटेल डाल दिया, नाउ नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन, सबसे पहला तो पेमेंट ऑप्शन है आपका QR कोड, जहाँ से आप क्लिक करके Paytm UPI जिससे करना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है UPI भीम जी पे फोन पे Paytm और एंटर द UPI ID। इसके अलावा मोर पेमेंट ऑप्शन में आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर एंड नेट NEFT। तो क्रेडिट कार्ड में आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारे क्रेडिट कार्ड सभी तरह के अलाउड हैं। ठीक है, तो दिस वे इट इज वेरी यूजफुल, वेरी सिंपल एंड फीस वगैरह चार्जेस हो सकता है इसके थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि इनकी फीचर्स भी ज्यादा हैं और ये आपको रजिस्टर पेमेंट और बहुत सारे इनवॉइसिंग वगैरह के फीचर भी दे रहे हैं और इंस्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जैसे सपोज ऋषभ जी मैं ये भी देखना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने सर्कुलेट किया, लेडीज ने फिल करा एंड कुछ लेडीज ने पर्सनल डिटेल तो डाल दी बट पेमेंट वाला पार्ट छोड़ के क्विट कर दिया। Yes. तो मेरा एनालिटिक्स मुझे कैसे दिखाएगा कि ये यहाँ पे एनालिटिक्स पेमेंट किस किस का पेंडिंग है? इसमें गूगल एनालिटिक्स भी है और साथ में इसमें लीड जनरेशन भी है, ये लीड मैनेजर है जहाँ पे ये आपको मैसेज आएगा कि किसी ने लॉगिन तो किया, फिलिन भी किया लेकिन पेमेंट चेकआउट नहीं किया। इसका मतलब ये लीड मैनेजर आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आप उन लीड को लीड कलेक्टेड एंड लीड कन्वर्टेड। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे अभी हमने भरा ना, ये यहाँ दिखा दिया इन्होंने कि इंदु जैन जी ने क्लिक किया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आई, तो इसको मैं क्लिक करके आई कैन इंटरेक्ट ऑल्सो, ये यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट ड्रॉप ऑफ, ये ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, ट्रेनिंग क्लास में आना चाह रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, तो यू कैन कॉल द पर्सन। अब जैसे ये नंबर यहाँ आ रहा है तो आप इमिडिएटली कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है, हो सकता है कि उनको पेमेंट करते समय कुछ प्रॉब्लम आई हो या उनको समझ नहीं आ रहा है या वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है, कुछ भी रीजन है दैट एनीबडी फिजिकली मतलब यू कैन पुट अ टेलीकॉलिंग पर्सन और सम वॉलंटियर टू कॉल दैट पर्सन एंड चेक आउट। तो ये लीड मैनेजर में आप जाके ये देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा और इसको हम कॉम्प्लेक्स तरीके से देखते हैं कि अब इसके अलावा सपोज करिए you have a transaction, payment link में मैं वापस गया और अब मैं इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तीन डॉट जो दिख रहे हैं इसको आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड दिस लिंक। नाउ आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, लेट मी जस्ट ओपन इस फॉर यू, व्यू पेमेंट, क्रिएट पे बटन, डुप्लीकेट। अगर सपोज करिए आप बार बार इवेंट कर रहे हैं, महीने में आपके एक दो इवेंट आ रही हैं और आपको हर बार नया लिंक क्रिएट करना है, इवेंट का खाली नाम बदल रहा है, बाकी सारी चीज़ें आप दोबारा दोबारा से नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये आपको डुप्लीकेट बटन से यू कैन जस्ट क्रिएट एन नंबर ऑफ इवेंट्स अगेन एंड अगेन विदाउट इवन टेकिंग दैट हैसल ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू लिंक अगेन।
देन देर आर फीचर लाइक क्रिएट पे बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी वेबसाइट है और वहाँ पे आप HTML कोड चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ पे बटन एंड विद दैट यू कैन चेंज द टेक्स्ट ऑफ द बटन ऑल्सो दैट जीटो JLW ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ. Now this button will appear on your website or on your social media. You can change the color scheme etc. और जो लोग HTML समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि HTML कोड जो होता है ये एक तरह से आप यहाँ पे आप कॉपी करके, अगर आपको कोडिंग की लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गूगल साइट वर्डप्रेस साइट या अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आप अपने ब्लॉग में इस कोड को जस्ट पेस्ट करेंगे तो इट विल शो. ये तो एम्बेडिंग, ये तो एम्बेडिंग के लिए ना, एम्बेडिंग प्रोसीजर एम्बेडिंग के लिए. ठीक है ठीक ये है. इसमें ऑटोमेटिकली आपका ये बटन इस तरह से दिखेगा और आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट पे, आपके फेसबुक में, सब जगह पे ये आ जाएगा. नाउ आई विल टेल यू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो है प्रोडक्ट एंड स्टोर. सपोज करिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम मान लीजिए लेडीज विंग में हम एक स्टोर ओपन करते हैं, दैट इज ए जीटो लेडीज विंग स्टोर, जहाँ पे अलग अलग लेडीज एक ग्रुप बनाकर अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती हैं. ऐसा भी संभव है क्योंकि आपने मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जिसमें 15-20 लेडीज मेंबर बनती हैं. समबडी सेलिंग से बुक्स, समवन वांट टू सेल द यू नो सम फूड आइटम, समवन वांट टू सेल यू नो ट्रेनिंग, अलग अलग. लेकिन आप लोग चाहते हैं कि हम एक साथ मिल के एक दूसरे को प्रमोट करें और एक दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, एक दूसरे की इवेंट्स को प्रमोट करें. समवन वांट टू यू नो जस्ट मेक अ डिजिटल म्यूजिक इवेंट एंड यू वांट टू से कि देर इज अ टिकट प्राइस एंड देर इज अ पर्पस आल्सो कि आप इसमें आइए, वॉट एवर मनी विल कलेक्ट इट विल गो टू सम नोबल कॉज. सो विद दैट यू वांट टू क्रिएट अ स्टोर ताकि आपका जो कस्टमर है उसको एक स्टोर जैसी फीलिंग मिले. हम जैसे अमेजोन पे जाते हैं, आपने देखा होगा आजकल अमेजोन पे ब्रांड स्टोर का बड़ा प्रचलन है. इफ़ यू गो टू से डाबर, देन डाबर विल शो देयर डाबर स्टोर, जहाँ पे डाबर के सारे प्रोडक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे. तो इंस्टा मोजो भी आपको फ्री स्टोर की फैसिलिटी देता है एंड दैट इज प्रोडक्ट एंड स्टोर, मैनेज योर ऑनलाइन स्टोर. नाउ लेट मी शो यू. इंस्टा मोजो इज ऑल्सो अ मार्केट प्लेस? No, it gives you a facility to create your own marketplace free. But so, then इसका display जाके कहाँ होगा? इसका display आप इसको कहीं भी display कर सकते हैं अपने marketplace को. Just एक link आपको convert करना है and it will give you a check-in, check-out, cart, सब कुछ आपको मिलेगी. आप अपने blog से भी अपना product और अपना store promote कर सकते हैं. आप दिखाओ, हम इसको definitely use करना चाहेंगे. Yes, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें ऑनलाइन स्टोर कैसे बनता है. तो जैसे यहाँ पे अभी ये लाइव प्रोडक्ट दिखा रहा है, मैंने प्रोडक्ट एंड स्टोर में क्लिक किया तो यहाँ पे ये मैनेज ऑनलाइन स्टोर. तो लेट अस क्लिक दिस एंड सी दिस इज माय स्टोर. तो यहाँ पे आपको ये एक तरह से एक मिनी वेबसाइट की तरह ही ये स्टोर खुल गया जहाँ पे मैंने अभी एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, दैट इज माय बुक. ये तो जैसे Amazon पे ब्रांड स्टोर्स हैं वैसे ही है, ये वैसे ही है. और इसमें कार्ट भी है, चेक इन चेक आउट सब कुछ है. और आपका ऑलरेडी चूंकि बैंक अकाउंट कनेक्टेड है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है. ऐड प्रोडक्ट, अब जैसे ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे हम लिंक बनाते हैं उसी तरह का इंटरफेस यहाँ ओपन होगा. अब यहाँ पे ये आपको कहता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट करना है, फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, इवेंट है या अदर है. तो एक स्टोर में जरूरी नहीं है कि सारे फिजिकल प्रोडक्ट हों. हो सकता है कि हमने जीटो लेडीज विंग का एक स्टोर बनाया, जीटो गुरुग्राम का, और उसमें हमने कहा भी इसमें जीटो गुरुग्राम के जो 20 मेंबर्स जो कि वॉलेंट आना चाहते हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट इसमें लाना चाहते हैं. तो हमने उनको कहा भी आपके लिए हम ये पूरा स्टोर बना रहे हैं एंड यू कैन डू फ्री लिस्टिंग. इसमें जो सेल होगी वो भी आपको इसमें मेरे दो डाउट्स हैं ऋषभ जी. जी अगर हम ये स्टोर बनाते हैं जीटो लेडीज विंग प्रोग्राम के लिए जी, तो मेरे दो डाउट्स आते हैं कि एक तो जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं अमेज़न का स्टोर, then Amazon is a marketplace, people are visiting Amazon and by hook or crook किसी भी तरीके से hit and trial से पहुंच जाते हैं brand store पर, ठीक है? जी. या फिर brand owner अपनी ad campaigns के through वहाँ पर ले आता है footfall. जी. यहाँ पे जो स्टोर बनेगा इसको हम शेयर कैसे करेंगे लोगों के साथ? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट मैं इसमें आपको आंसर देता हूँ क्योंकि इसके लिए फिर एक अलग सेशन हमें करना पड़ेगा. अच्छा, अलग कर लेंगे. लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि टुडे वी आर इन ए एरा वेयर इन नियर बाय एंड कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन बड़े मार्केट प्लेस भी इस बात को
स्वीकार करते हैं कि उनके यहाँ पे फुटफॉल तो है लेकिन हर ब्रांड को उतनी सेल नहीं मिलती जितनी वो उम्मीद करता है, और अगर उसको मिलती भी है तो उसको एक मोटा कमीशन 25-30 देना पड़ता, 40% 40% और दुनिया जान के चार्जेस यहाँ पे तो हमने अभी सिर्फ बैंकिंग चार्ज और 5% की बात करी, वहां पे इतने में काम नहीं होता। तो मैं किसी भी मार्केट प्लेस का अगेंस्ट नहीं हूँ, हम अभी इसको जो है प्रॉफिटेबल है नहीं एक्चुअली। हाँ, तो वहाँ विजिबिलिटी के लिए ठीक है कि आप ये कहने को कह रहे हैं कि मैं अमेजोन पे हूँ, फ्लिपकार्ट पे हूँ। आपको मैं गुड़गांव का एक उदाहरण दूंगा, हमारी एक मेरी एक मित्र है, शी इज हर नेम इज अनीता सेठिया, एक्स बैंकर, रूरल रूट्स के नाम से उन्होंने अभी अपना ब्रांड शुरू किया और पहले महीने में 6 लाख का बिजनेस किया। उनका कोई अमेजोन पे नहीं है, फ्लिपकार्ट पे नहीं है, ओनली व्हाट्सएप, एंड शी इज प्रमोटिंग विद दी लिंक ओनली, और लिंक भी नहीं, वो तो और भी उससे भी मेथड उनका तो नहीं। मेरा ऋषभ जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं एग्री भी करती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इसको शेयर कैसे करूंगी। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज योर क्वेश्चन, नाउ लेट मी गो बैक टू। एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, अगर फॉर एग्जांपल 20 लोगों का हम पूल बनाते हैं एंड सबको हम इसमें ज्वाइन इन कराते हैं जी, तो उनके रिस्पेक्टिव पेमेंट्स उनके पास कैसे जाएंगे? यस, तो वो भी बहुत आसान है, इसमें एक एग्रीगेटर होगा क्योंकि बैंक अकाउंट तो एक ही लगेगा स्टोर के साथ में, तो सपोज करिए कि एनयूसी बिकम द एग्रीगेटर फॉर ऑल द पीपल, लेकिन आपके पास जो रिपोर्ट आएगी उसमें सबका जो सेल होगा उसका पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। Okay. सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ही यही होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबको बैंक अकाउंट नहीं रखना होता, एंड दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट। इंडिया में 1,65,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं जो कि जिनका अपना बैंक अकाउंट होता है। तो अच्छा, इसमें अब जो एग्रीगेटर होगा उसके पास इसके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग तो सारे मेंबर मिलके करेंगे, और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बिकॉज इट्स अ लिंक, सो स्टोर it will be opening with a link only, so you have to market the link only, aur link market karne ke tamam tareeke hain, aap sabke apne apne whatsapp group hain, sabke apne facebook account hai, sabke okay got it, theek hai to wahan pe aap isko market kariye, theek hai। acha, ab main aapko ek jo aapne market ka pucha na, to main aapko payment link market kaise karte hain, let me tell you that। तो यहाँ पे देखिए सेंड बटन जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ ऑप्शन देता है, कॉपी कर सकते हैं या सेंड बाय व्हाट्सएप, सेंड बाय ईमेल, पे बटन ऑन वेबसाइट, क्यूआर कोड एंड सी ऑल द पेमेंट लिंक। सॉरी, अब मैं यहाँ से कॉपी करके जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां पे आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो ठीक है, समझ गए। Now come to the store, क्योंकि आपका 2-3 क्वेश्चन और थे, मैं चाहता हूँ कि आज उसका भी आंसर करें। वैसे इसकी डिटेल हम कर सकते हैं काफी इस पर, लेकिन जैसे देखिए मैंने मुझे समझ आ गया। एक प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया तो अब यहाँ पे डिस्काउंट कोड के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 20 लेडीज ने एक स्टोर बनाया और 20 लेडीज एक दूसरे को प्रमोट करना चाहती हैं एंड दे ऑल्सो वांट टू गेट बेनिफिटेड, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अफिलियट का। तो जैसे आप यहाँ पे रीसेलर के प्रोडक्ट को अलाउ कर देते हैं तो नाउ उनका कमीशन मिलने लग जाएगा। एग्जैक्टली, और वो कमीशन भी ऑटोमेटिकली इंस्टा मोजो डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता देगा, तो एग्रीगेटर को कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके पास जो डिटेल आएगी ऑटोमेटिकली एग्रीगेटर का कमीशन एग्रीगेटर को बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी देखना हम कितने एग्रीगेटर और रीसेलर बनाएंगे। yes, सब बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई नॉर्मली क्या होता है कि हम कूपन कोड जब क्रिएट करते हैं तो लोगों को डाउट होता है, यार ये कूपन कोड दे रहे हैं, सॉरी मैं गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, भाई आप कूपन कोड दे रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट होगा, बट एफिलिएट लिंक में कोई डाउट नहीं होता क्योंकि एफिलिएट लिंक में आपका प्राइस जो है वो वही होता है जो बिना एफिलिएट लिंक के भी आप कोई प्राइस देखते हो। दैट इज द बिगेस्ट व्हाई एफिलिएट इज मोर सक्सेसफुल देन कूपन कोड। लेकिन आप डिस्काउंट कोड, कूपन कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है वेरिएंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अगर आप नहीं जानेंगे अभी तो आपको लगेगा कि शायद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केक बनाया और मेरा केक का ऑर्डर क्योंकि कम्युनिटी में है, मान लीजिए हम DLF 1, 2, 3, 4, 5 में डिलीवरी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि भी कोई भी व्यक्ति अपना केक ऑर्डर करना चाहे तो वो हमारे जीटो JLW के इस पे स्टोर पे आए और अपना केक ऑर्डर करे। अब दिक्कत ये आती है कि केक की क्वांटिटी भी लिमिटेड हो सकती है क्योंकि अनलिमिटेड तो कोई बना के रखेगा नहीं। उसके अलावा केक की जो साइज है कि 1 pound का है, 2 pound का है, 3 pound का है, उसका प्राइस भी अलग अलग होगा।
उसके लिए इंस्टामोजो आपको वेरिएंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पे आप वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं कि भी केक का टाइप कौन सा है, वनीला केक है, बटर स्कॉच है, चॉकलेट है, फॉरेस्ट है, तो अनलिमिटेड वेरिएंट आप यहाँ पे ऐड कर करके क्रिएट कर दीजिए। उसका प्राइस भी अलग होगा और आप यहाँ पे क्वांटिटी की लिमिट डाल सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका जो स्टॉक आउट नहीं होगा, या आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी ने पेमेंट कर दिया और पता लगा कि आप रेडी नहीं थे, मेरे स्टोर में माल मतलब वो प्रोडक्ट नहीं था या स्टॉक आउट हो चुका था। तो दिस इज इन वन शॉट एक्चुअली इंस्टामोजो इज वेरी क्रिएटिव बिकॉज दे स्टार्टेड विद द पेमेंट गेटवे बट नाउ दे हैव मूव्ड मच बियॉन्ड। एंड आई एम एक्चुअली आई वर्क विद इंस्टामोजो व्हेन इट वाज क्रिएटेड इन 2013। तो दैट टाइम आई वॉज इन ई कॉमर्स, आई वॉज इन स्नैपडील, तो हम लोग इनको प्रमोट करते थे। इंस्टामोजो को स्नैपडील ने काफी प्रमोट किया था बट नाउ दे हैव बिकम रियली वंडरफुल। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में शायद अभी मैं चर्चा करूंगा तो समय का वो है, बट मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। एक्सप्लोर, सो यू हैव टू एक्सप्लोर इंस्टामोजो एंड देन आई विल जस्ट शो यू द बेसिक फीचर। इनवॉइस जनरेटर, यानी आपका इनवॉइस कस्टमर के पास अपने आप चला जाएगा जिससे वो अपना जीएसटी क्रेडिट ले लेगा। कस्टमर की डायरेक्टरी, जनरली क्या होता है कि जब हम लीड्स पे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, हमारे पास पुराने कस्टमर होते हैं, 500,000 कस्टमर हैं, लेकिन उनको आप कैसे रीच आउट करोगे एक साथ, तो कस्टमर डायरेक्टरी विल हेल्प यू देयर। रीसेल प्रोडक्ट, सपोज करिए आपको आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, मान लीजिए हमने 20 लेडीज का ग्रुप बनाया, उनमें से 5 लेडीज ऐसी हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट वो 2 घंटा बाकी 15 लेडीज का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकती हैं, तो दे कैन सिंपली दे कैन बी रीसेलर। यहाँ पे आप रीसेलर में जाइए, आपको आप अपना प्रोडक्ट चूज करिए स्टोर से और उसको रीसेल कर दीजिए। इसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने ही ग्रुप का प्रोडक्ट करें, आपको यहाँ पे देखिए कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो आप किसी और का भी कर सकते हैं, राइट। इसका आपको ठीक लगे आप उसका प्रोडक्ट को आप रीसेल करिए। कई के लोग तो 100% कमीशन भी दे रहे हैं। देखिए 3 days का साउंड योगा विद समंता बोरा, नाउ शी माइट बी इंटरेस्टेड कि भी उसकी विजिबिलिटी बन जाए। डिजिटल प्रोडक्ट्स में कमीशन, हाँ डिजिटल प्रोडक्ट में कमीशन 30%, 50%, 100%। तो दिस इज द पावर ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे इंस्टामोजो ने काफी इसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया। आज तो मजा आ गया ऋषभ जी, बहुत कुछ सीखा हमने, थैंक यू। सब कुछ नया था हमारे लिए। अभी हम Q&A ओपन कर देते हैं सबके लिए। यस, मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए। अब वो कर लीजिए अपना मतलब वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन एंड अनम्यूट कर लीजिए एंड वीडियो ऑन भी कर लीजिए। तो आप सब लोग पूछिए अपने क्वेरीज, किसी को भी कुछ मन में है क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, इंस्टामोजो से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, आई एम रेडी टू आंसर। आई थिंक मुझे तो इसको एक बार समझने के लिए दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग तो मैं अभी रिकॉर्ड हमने किया हुआ है तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, मुझे समझ में आ गया है, मैं Q&A ले लूंगी आप लोगों का, और अगर मेरे को मैं कहीं अटकी तो मैं ऋषभ जी को अप्रोच करूंगी फिर से एंड विल हैव मोर आंसर्स। मैं एक मतलब JBN की तरफ से मैं एक आप सभी लोगों को लेडीज विंग को कहना चाहूंगा कि हमारा एक प्रोग्राम है JBN SSB, स्मॉल स्केल बिजनेस, 10,000 से 50,000 रुपए महीने तक की अपॉर्चुनिटी हमारी इच्छा है कि हम इनेबल करें, क्रिएट करें, और उसमें हमें जहाँ पे ट्रेनिंग लर्निंग की बात आती है वहाँ पे CFE है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इंदू जी ऑलरेडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस की मेंबर हैं। तो मैंने अभी उसमें एक प्लान किया है एंड आई वॉन्ट योर सजेशन, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं तो कस्टमर इज किंग, कस्टमर से समझना चाहिए कि क्योंकि आप मेरे पोटेंशियल कस्टमर की तरह हो जिनको मुझे सर्व करना है। तो what product I have created, I just want to tell you and you give me now, may I ask some questions on this? Yes. Okay. In SSB, we are saying that there are hundreds and thousands of opportunities, but to start with, कुछ 4-5 चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनसे हम immediately शुरू करें। जैसे affiliate मैंने आज आपको बताया, affiliate का concept बड़ा आसान है, affiliate आप Amazon के भी बन सकते हैं, आप affiliate इंदू जी की key2practice.com के भी बन सकते हैं, आप एफिलिएट में अपना प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टामोजो में जाके किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। दैट इज वन वे। हम सभी लोग 4-5 घंटे व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टामोजो करते हैं, यूट्यूब पे गाने सुनते हैं, लेकिन अगर हम 1 घंटे उसको सही इस्तेमाल करें और प्रॉपर अपनी लिस्ट बना के एफिलिएट मार्केटिंग करें तो उससे एक इनकम जनरेट होती है, नो डाउट अबाउट इट। सेकेंडली,
वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ पूल ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स विच वी कॉल होमप्रेन्योर्स. द होमप्रेन्योर्स विल हैव सम और अदर स्किल. किसी के पास वीडियो एडिटिंग स्किल है, किसी के पास में कॉपी राइटिंग स्किल है, किसी के पास कॉन्टेंट राइटिंग है, कोई स्टोरी टेलर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, कोई गिटार बजाना जानता है, किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को अचार मुरब्बे चटनी बनाने का शौक है, कोई आइसक्रीम बनाने की रेसिपी बहुत अच्छी जानता है लेकिन अभी तक छुपा हुआ है. दे आर ऑल हिडन जूल्स, दे आर ऑल हिडन जेम्स. और उनको ये नहीं पता कि ये मेरी प्रतिभा जो है इसका हम कैसे इसका विस्तार हो, कैसे इसको लोगों तक पहुंचे बात. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव लिस्टेड डाउन एन अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स ऑफ अराउंड 101 अपॉर्चुनिटी. और उन 101 अपॉर्चुनिटी के आगे मैंने इसमें एक लिंक भी दिया है कि उन अपॉर्चुनिटी को कैसे आप रिफाइन करके क्या सीख सकते हो. वीडियो लिंक है, कहीं पे डिटेल है, जैसे FSSAI लाइसेंस लेना है. अब बहुत लोगों को चाहते हैं कि भी मैं अच्छी बिस्किट बना सकती हूँ घर पे, लेकिन मुझे बिस्किट मैं उसको कमर्शियल कैसे करूँ, अपना ब्रांड कैसे बनाऊँ. तो ब्रांड कैसे रजिस्टर किया जाता है, FSSAI लाइसेंस कैसे अपने आप ले सकते हैं ऑनलाइन, तो उन सब का हम रिसोर्सेज इकट्ठा करके और वो मैं एक अगले हफ्ते तक वो लॉन्च करूंगा. लेकिन वो मैं उसको फ्री सर्कुलेशन में नहीं डालना चाहता. मैं चाहता हूं कि पहले टैलेंट सामने आए, टैलेंट कहे कि भी हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मेरा बेकरी में इंटरेस्ट है, कुकरी में इंटरेस्ट है, मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपका जिस भी विधा में इंटरेस्ट है आप वो बताइए. और वो डेटाबेस हम पूरे ऑल इंडिया हम इसको प्रमोट करेंगे कि दे आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड, मीन्स दे वॉन्ट टू मेक सम कमर्शियल गेन आउट ऑफ इट. एक तो हो गया हॉबी पैशन, एक होगा थोड़ा सा मुझे कमर्शियल भी करना है. तो दैट SSB पूल विल देन बी हाईलाइटेड. अब उसका सेकंड स्टेज आता है कि अब मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को हु विल बी माय कस्टमर. तो सबसे पहला कस्टमर आपका चैप्टर है, उसके बाद आपका जोन है और उसके बाद पूरा विश्व आपके लिए खुला है. तो चैप्टर में कैसे प्रमोशन होगा इसका भी मैं SOP बना रहा हूँ कि चैप्टर में जब भी कोई इवेंट हो, फिजिकल इवेंट हो, जब भी लोग मिले, अगर फूड प्रोडक्ट है तो उन सबको इनविटेशन चला जाएगा कि आप अपना अपना फूड प्रोडक्ट सैंपल लेके आइए. लेट एन एक्सटेंडेड फैमिली एंजॉय दिस. ऑन द स्पॉट आपको ऑर्डर मिलेंगे, विजिबिलिटी मिलेगी, ब्रांडिंग मिलेगी और फीडबैक भी मिलेगा. बिकॉज चैप्टर तो आपका पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्ट आपका परिवार है. तो परिवार में अगर फीडबैक मिलेगा, कोई कहेगा कि भी आपने वनीला फ्लेवर बनाया केक का, क्यों नहीं आप ये वाला भी ट्राई करो, ये भी बनाओ, ये है वो है, आपको कुछ ना कुछ फीडबैक मीटिंग में मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी न्यू बिजनेस हु वांट टू स्टार्ट इन ए फॉर्मल वे. फिर आपको वहाँ लाइसेंसिंग की सपोर्ट मिल जाएगी. विद इन द चैप्टर देर आर लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हु कैन गिव यू दो सपोर्ट्स. आपको मुद्रा लोन चाहिए, मुद्रा लोन भी मिल जाएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट SSB स्मॉल स्केल बिजनेस, जो होमप्रीन्योर हैं, जो घर बैठे अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं. अब आती है बात उन लोगों की जिनको फाइनेंस फंडिंग नहीं चाहिए, लेकिन उनको चाहिए कि भी हमें ये एक हमारा टाइम अच्छा इससे निकल जाएगा. वी हैव टाइम एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट विजिबिलिटी इन आवर ओन कम्युनिटी. तो उसके लिए भी आपको विजिबिलिटी के लिए आपको ब्रांडिंग सीखना पड़ेगा, आपको इस तरह के इंस्टामोजो के पेमेंट लिंक वगैरह बनाने सीखने हैं. तो जो भी आपने जहाँ भी बोटल नेक है, जहाँ भी गैप है, वो गैप आपका CFE पूरा करेगी. बिकॉज CFE का पर्पज जो बनाया गया है, इंदू जी नोज मच मोर देन मी, बट दैट इज द होल पर्पज कि भी जहाँ पे हमें अगर पता लग जाएगा तो नाउ यू टेल मी इज दिस ओके, क्या ये लिंक अगर हम सर्कुलेट करेंगे तो क्या टैलेंट आएगा सामने, क्या आपको लगता है इसमें उनको आना चाहिए? नहीं बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल आएगा. नहीं बहुत अच्छा है. हम उसमें फीडबैक देंगे, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. मैंने तो लिस्ट देखी है इसलिए मुझे मालूम है. हाँ तो वो लिस्ट जो है आपने देखी है 101 वाली, तो मैं उस लिस्ट को अब उसके साथ में कंटेंट, अब उसका वक्त आ गया है. तो जैसे ही आप उसको फॉर्म को फिल करके बटन दबाएंगे सबमिट का, तुरंत आपको वो बुकलेट मिल जाएगी. मैं आप सबको बताना चाहूंगी, ऋषभ जी ने जो आज शेयर किया है ना, ये बहुत समय से इस पर काम कर रहे हैं. मुझे याद है मैंने कितना समय पहले वो लिस्ट देखी थी जब वो बनी थी. बिल्कुल इतना बैकएंड वर्क हो रहा है, इतना बैकएंड वर्क हो रहा है कि ऋषभ जी आज उसको एक शेप देकर वर्बली डिस्कस कर रहे हैं. आई एम वेरी श्योर कि पूरे बिग बैंग के साथ वो आएगा. और आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए. इंदू जी ने इसमें बहुत मुझे सपोर्ट किया है, इनकी इंस्पिरेशन भी मिली. मैंने इनसे पूछा कि भी व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, बिकॉज आज मेरी वाइफ भी है, तो शी इज ड्यूरिंग द कोविड शी रियलाइज कि भी इफ द वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू रियलिटी, देन शी ऑल्सो डिसाइडेड टू लर्न सम न्यू स्किल. तो शी
आई इंस्पायर्ड हर और मे बी आई टोल्ड हर कि भी वीडियो एडिटिंग में आप जाओ, तो वीडियो एडिटिंग उसने शुरू किया, उसमें फीडबैक। ऋषभ जी उनको प्लीज हमारे इंस्टाग्राम कोर्स जरूर ज्वाइन करवाना प्लीज। वो तो मैंने बोला हुआ, शी हैज ऑलरेडी एग्रीड कि इंस्टाग्राम तो सीखना है, क्योंकि बिना इंस्टाग्राम के, बिना इनके व्हाट्सएप और इन सब चीजों के सीखे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 21वीं सदी में सर्वाइवल के लिए, चाहे हमारी कोई भी एज ग्रुप है, हमारा कोई भी बिजनेस है, मोनिका जी आप भी परफ्यूमरी के बिजनेस में है, आपको व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना आना चाहिए, ताकि आप हर मीटिंग में, हर जूम मीटिंग में जहाँ पे आप जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपने अपना कैटलॉग का लिंक वहाँ पे डाल देना है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका कैटलॉग देख के लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। आज आप थोड़ी लेट आई, लेकिन ये वीडियो में आप देखेंगे कि इंस्टा मोजो से आप अपना परफ्यूम का स्टोर बना सकती हैं विदाउट एनी कॉस्ट एंड इन वेट एवर जूम मीटिंग यू अटेंड, क्योंकि आप डिलीजेंटली जूम मीटिंग भी अटेंड करती हैं। उसका फायदा तभी होगा जब आपका स्टोर बना हुआ है, उसका लिंक है, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल वो लिंक को चैट बॉक्स में डाल देना है और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है, साथ में छोटा सा मैसेज, प्लीज शेयर एंड फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। जो आज आपका मैसेज आया ना मोनिका जी व्हाट्सएप में, बस उसी के नीचे एक वो आ जाना था, स्टोर पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे और खरीदेंगे। दो लिंक मैं बता रहा हूँ, दो लिंक का मतलब जैसे कहते हैं ना दो बूंद जिंदगी, इंस्टा मोजो है इतना अच्छा, एक लिंक इंस्टा मोजो का, एक लिंक आपका व्हाट्सएप का, यानी किसी को अगर लिंक प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा आपको व्हाट्सएप करके पूछ लेगा, बात खत्म। इससे सिंपल बिजनेस करने का कोई वेबसाइट नहीं चाहिए, कोई हमें मोबाइल ऐप नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सी दैट थिंग हैव चेंज नाउ, सी आई ऑलवेज टेल पीपल दैट व्हेन द थिंग्स विल चेंज वी हैव टू लीव द ओल्ड थिंग्स एंड वी हैव टू अडॉप्ट द न्यू वे ऑफ वर्किंग व्हिच इज वेरी इजी एंड फास्ट। व्हाट्सएप से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई फास्ट आज अभी तक तो नहीं है, आगे आने वाले टाइम में कुछ आ जाए तो बात अलग है, तभी सब लोग व्हाट्सएप के पीछे पड़े हैं। अगर आप देखेंगे सभी लोग व्हाट्सएप को कह रहे हैं इसको हटाना नहीं चाह रहे, क्योंकि क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस खत्म हो जाता है इसके आने से। ठीक है, और किसी के कोई क्वेरीज हैं? थैंक यू सो मच ऋषभ जी, बहुत एनर्जेटिक सेशन था एंड आई थिंक हम आपको टाइम टू टाइम आवाज लगाते रहेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू, जय जय, थैंक यू एवरीवन फॉर द फॉर अटेंडिंग द प्रोग्राम एंड शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग इट, एंड आई एम श्योर हम सब प्रैक्टिस करके इसको स्प्रेड भी करेंगे। थैंक यू।